बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नंबर 10, यूनिट नंबर 1.1, इंग्लिश वर्ड्स, उर्दू वर्ड्स और इंग्लिश मीनिंग्स। इस सबक में हम इंग्लिश वर्ड्स और उसके उर्दू मीनिंग्स और फिर उसकी इंग्लिश मीनिंग्स सीखेंगे। तो आज का पहला वर्ड है हमारे पास नंबर 1, डिसगाइज। डिसगाइज मानी तब्दीली शक्ल, यानी शक्ल तब्दील करना, चेंज अपेरेंस, ज़ाहरी तौर पे चेंज करना। वर्ड नंबर 2, क्लेम्स। क्लेम्स मानी दावे। स्टेट समथिंग एज ट्रू, किसी चीज़ के बारे में ऐसा बयान देना जिससे वो सच हो। नंबर थ्री वर्ड है वेलफेयर, यानी फ़ायदा, खैर व आफियत और फलाह बहबूद। फलाह व बहबूद यानी जनरल वेल बीइंग। फोर्थ वर्ड है हमारे पास मिंगल, मिलाना, यानी मिक्स विद पीपल, लोगों में मिक्स हो जाना, मिलाना, मिंगल, इसको मिंगल कहते हैं। नंबर 5th वर्ड है हमारे पास रेग्स। रेग्स यानी पुराना कपड़ा या कपड़े की धेजी वगैरह। ऑल टॉर्न क्लॉथ्स यानी पुराने फटे हुए कपड़े। नंबर सिक्स वर्ड है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मानी झगड़ा करना। डिसएग्रीमेंट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में गैर रजामंद होना। नंबर 7th वर्ड है हमारे पास रिजॉल्व, हल तलाश करना। सॉल्व कहते हैं हल करने को और रिजॉल्व हल तलाश करने को कहते हैं। फाइंड अ सॉल्यूशन, हल तलाश करना। नंबर 8, सर्टेन मानी यकीनी, नो फॉर श्योर, यकीनी तौर पर जानना, सर्टेन। नंबर 9, कंसर्न्ड। 9th वर्ड है हमारे पास कंसर्न्ड, फिक्रमंद हुआ, वरीड अबाउट, किसी चीज़ के बारे में परेशान हुआ। नंबर 10, मोशन्ड, इशारों से इजहार, सिग्नल्ड यानी इशारों से इजहार करना, सिग्नल देना। नंबर 11, डिसमाउंट। 11th वर्ड डिसमाउंट, घोड़े से या साइकिल वगैरह से उतरना, गेट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से नीचे उतरना, उसको कहते हैं डिसमाउंट। नंबर 12 है हमारे पास पजल्ड, हैरान और परेशान हुआ। पजल्ड, अनेबल टू अंडरस्टैंड, समझने के नाकाबिल। विंस्ड कहते हैं नागवारी का इजहार करना। नंबर 13th वर्ड है हमारे पास विंस्ड, नागवारी का इजहार, यानी शॉर्ट डिसलाइक। नंबर 14th, नेड, घोड़े की हिनहिनाहट, साउंड मेड बाय अ हॉर्स, नेड। नंबर 15 और आखिरी वर्ड है हमारे पास आज का प्रोनाउंस्ड यानी ऐलान करना, बोलना, ऑफिशियली सेड, ऑफिशियली तौर पर कहना। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।